हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना बताएंगे। पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करना। अब सुपरलेटिव डिग्री सबको पता है, उसकी पहचान क्या होती है, द लगा होगा और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा होगा। अब हम पहचान लेंगे सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, तो हम पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर और जो भी उसमें सब्जेक्ट है या जो जिसके जिसके बारे में बताया गया उसका यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद एज, फिर वही एडजेक्टिव, और फिर एज लगा करके जो भी उसमें ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग हम कर लेंगे। अब जैसे कानपुर इज़ द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। अब जैसे ये वाक्य है तो द बिगेस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम सबसे पहले क्या ले आएंगे, नो अदर। इसके बाद ये हिस्सा उठाएंगे सिटी इन यूपी, तो नो अदर सिटी इन यूपी, इतना हमने हिस्सा उठा लिया। और ये आसान तरीका है, नो अदर सिटी इन यूपी, फिर सहायक क्रिया लगा देंगे इज, फिर एज बिग एज कानपुर। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य होगा तो हम वहाँ पर नो अदर का प्रयोग पहले करेंगे, फिर हमारा जो सुपरलेटिव के बाद वाला हिस्सा उसको पहले उठा लेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया एज, एडजेक्टिव एज, और मुख्यकर्ता हम लगा देंगे लास्ट में। तो नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। इसी तरह से एक वाक्य और है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसको बनाना है इसको उसी तरह से, तो नो अदर पॉलिसी इज एज, बेस्ट का पॉजिटिव गुड हो जाए, एज गुड एज ऑनेस्टी। तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य होने पर नो अदर, फिर पॉलिसी आ गया, फिर एज, फिर गुड, फिर एज, फिर ऑनेस्टी। ये हमारा सुपरलेटिव से पॉजिटिव एक नियम लग गया, एक नियम बन गया। दूसरा नियम ये है कि अगर सुपरलेटिव वाक्य में वन ऑफ का प्रयोग है, यानी ज़्यादा में से एक को निकाला गया, वन ऑफ का प्रयोग है, और इसके बाद द लगा हुआ है और फिर सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री बनाते समय वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब नो अदर के स्थान पर वेरी फ्यू आएगा, फिर उसी तरह से हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और इसके बाद फिर से उसी तरह से एज, एडजेक्टिव, और फिर एज, और इसके बाद मुख्य जो ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जैसे फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। अब जैसे ये है, वन ऑफ लगा हुआ है तो वेरी फ्यू गेम्स, फिर आर आ जाएगा, फिर एज पॉपुलर एज फुटबॉल। तो ये हमारा, तो इस तरह से पॉजिटिव से वो सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाते समय हम इन नियमों का प्रयोग करेंगे। यानी दो नियम हो गए हमारे पास, अगर सुपरलेटिव लगा हुआ है, द बेस्ट लिखा हुआ है, द रिचेस्ट लिखा है, द टॉलेस्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम नो अदर का प्रयोग करेंगे। अगर वन ऑफ लगा हुआ है
वन ऑफ के लिए हम वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, वेरी फ्यू प्लस बाकी आगे उस तरह सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और बाकी एज एडजेक्टिव एज और लगाकर लास्ट में हम मुख्यकर्ता जो जिसके बारे में बताया गया उसका हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना देख लीजिए। पॉजिटिव से सुपरलेटिव, अब उल्टा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बहुत साधारण सा है, बस वही नियम को हमें वापस विपरीत प्रयोग कर देना है। जैसे पॉजिटिव दिया हुआ है, नो अदर से वाक्य शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट, इसके बाद सहायक क्रिया लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद द लगा देंगे और सुपरलेटिव फॉर्म आ जाएगा, सुपरलेटिव फॉर्म, और इसके बाद जो उसमें अन्य है वो हम लिख देंगे। अब जैसे वाक्य दिया है, नो अदर बॉय इज एज गुड एज हरी इन द क्लास, इन द क्लास। अब यहाँ पर हरी, क्योंकि हरी के बारे में बताया गया, मुख्यकर्ता आएगा, हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये बन गया हमारा सुपरलेटिव, सब्जेक्ट लग गया, सहायक क्रिया द लग गया, सुपरलेटिव अन्य जोड़ दिया। इसी तरह से मान लीजिए अगर वाक्य में वेरी फ्यू लगा हुआ है, वेरी फ्यू का प्रयोग है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, द के पहले वन ऑफ का प्रयोग कर देंगे। जैसे वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। अब यहाँ पर मुख्य किसके बारे में बताया गया, मुंबई के बारे में, तो मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो दो नियम यहाँ पर हो गए, दो नियम पिछले थे, तो जहाँ पर नो अदर था वहाँ पर हमने द बेस्ट लगा दिया, द सुपर, द के बाद सुपरलेटिव लगा दिया, जहाँ पर वेरी फ्यू है वहाँ पर हमने वन ऑफ का प्रयोग करके सुपर पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना दिया। बस ये हमारा डिग्री परिवर्तन समाप्त हो गया, बंद कर दीजिए।